बड़े गुस्से से मैं घर से चला आया। इतना गुस्सा था, गलती से पापा के जूते पहन के निकल गया। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था, जिसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है इस पर्स में ज़रूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी, पता तो चले कितना माल छुपा रखा है। माँ को भी हाथ नहीं लगाने देते थे। जैसे ही मैं आम रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा, मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रिस आया था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत था और मुझे जाना ही था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला, मुझे पाँव में गीला सा महसूस हुआ। सड़क पर पानी फैला हुआ था। पाँव उठा के देखा तो जूते के तलवे फटे हुए थे। जैसे तैसे लंगड़ा लंगड़ा कर बस स्टॉप पर पहुंचा तो पता चला बस 1 घंटा लेट है। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। पर्स खोला, एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था, लैपटॉप के लिए 40,000 कर्जे लिए, पर लैपटॉप तो घर में सिर्फ मेरे पास है। दूसरी एक चिट मुड़ी तुड़ी देखी, उसमें उनके ऑफिस के किसी शोक डे का लिखा था। उन्होंने शोक लिखा था, अच्छे जूते पहनना। ओह, अच्छे जूते पहनना, पर उनके जूते तो। माँ गुज़िश्ता 4 माह से हर पहली को कहती कि नए जूते ले लीजिए, और वो हर बार कहते अभी तो 6 माह जूते और चल जाएंगे। मेरी समझ में अब आया कि कैसे चल जाएंगे। तीसरी पर्ची, पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले दीजिए। पढ़ते ही दिमाग घूम गया, पापा का स्कूटर, पापा का स्कूटर। ओ खुदाया, मैं घर की तरफ भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी। घर पहुंचा, न पापा थे न स्कूटर। ओह नो, मैं समझ गया कहाँ गए। मैं भागा और एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने उनको गले से लगाया और आंसुओं से उनका कंधा भीग गया। नहीं पापा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो, और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से। ऐसी बैंक है जहाँ आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं, और पापा एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश करता है। अपने वालदेन।